तो एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और iOS वाले कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए बगल में आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, आप प्ले स्टोर पर जाइए, एंड्रॉयड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके सर्च कीजिए। देखो स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जो हमारा यूट्यूब का लोगो है वही लोगो वाला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा तीसरे या चौथे नंबर पर या दूसरे नंबर पर। ठीक है, ऐसे आपको उस पर क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक, उसके बाद आपके उसमें दो ऑप्शन दिखते हैं, इंस्टॉल करके ओपन करने के बाद आपको दिखता है व्हाट्सअप से आपको लॉगिन करना है या कोई अनदर नंबर से आपको लॉगिन करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो। व्हाट्सअप से करोगे तो जो आपके मोबाइल पे व्हाट्सअप है उसी नंबर से वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, और आपके व्हाट्सअप पे एक OTP आएगा, वो अपने आप ही एक्सेस ले सकता है या OTP आपसे मांगा जाएगा, वो आप डाल सकते हैं। सीधे आपको Gmail ID और अपना नाम फिर पूछा जाएगा और आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। उसके अलावा अगर अनदर वाला करेंगे तो इस पर क्लिक करके आपको अपना नंबर डालना है, आपके नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको आपका Gmail ID और आपका नाम आपसे पूछा जाएगा, और सबमिट करने के बाद आप एप्लीकेशन में आ जाओगे। अब देखो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, अब एप्लीकेशन ओपन करते ही अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सबसे पहले हमारे बैच दिख जाएंगे आपको, जो पेड बैच चल रहे हैं, जैसे कि अभी चल रहा है मेरे उसमें करंट पे दिख रहा है, ₹21 में 3 मॉक टेस्ट हैं आपके स्केलर के लिए, जो कि आपके PDF फॉर्मेट में है। जैसे ही मैं इसमें बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते ही नीचे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि कितने इसमें फाइलें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वैलिडिटी कब तक है, और नीचे जैसे I am interested करके एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक आपको करना है और यहाँ पे सक्सेस का ऑप्शन आएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर आपका जो व्हाट्सअप नंबर आपने रजिस्टर्ड किया है वहाँ पे एक आएगा मैसेज। ठीक है, उस मैसेज पे जैसे ही मैं आपका क्लिक करता हूँ यहाँ पे मुझे एक लिंक मिलता है, इस लिंक पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मैं फिर आपका क्या कर लूँगा, पेमेंट इसमें कर दूंगा। पेमेंट जितना भी फीस था वो आपका सबमिट किया, सबमिट होते ही आप सबमिट करते ही क्या करोगे, वापस एप्लीकेशन में चले जाओगे, चाहे मिनिमाइज में रखाओ या फिर बैक करके रखाओ। अब जो ये कोर्स था आपका, इसमें जो भी फाइलें थी ये फाइलें आपकी सारी ओपन हो जाएगी। पहले ये अनलॉक थी, पहले ये लॉक होंगी, ठीक है, बाद में ये अनलॉक आपकी हो जाएंगी। सब फाइलें आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे होम पेज पे चले जाता हूँ। मान लीजिए आपके लिए क्या है, कोई फ्री मटेरियल है, कैसे मिलेगा, ऊपर तीन आपकी लाइनें दिख रही है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑफलाइन डाउनलोड दिख जाएंगे, जो चीज़ें आपने डाउनलोड करके रखी हैं। फ्री मटेरियल पर आप क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको टेस्ट मिलेगा। देखो टेस्ट का ऑप्शन है, जो फ्री टेस्ट है जो कि आपका रहने वाला है वो आपको यहीं पे मिलेगा, और यहाँ पे वीडियोज आपको फ्री की मिल जाएंगी, डॉक्यूमेंट PDF वगैरह आपको यहाँ पे फ्री की मिल जाएंगी। बाकी जो कोर्सेज हैं वो आपको होम पेज में स्टार्टिंग में दिख जाएंगे, आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, कौन कौन से बैच चलने वाले हैं, यहाँ पे आपको बैनर भी दिख जाएंगे, इन बैनर से आपको पता चल जाएगा अगला बैच कौन सा चलने वाला है। ठीक है, इस तरीके से रहने वाला है, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है और अपना जो भी आप क्लासेस ले रहे हो यहाँ पे आप ले सकते हैं। कोई भी कोर्स आप लेना चाहते हो हर एक कोर्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस पे। तो क्लासेस चल रही थी स्केलर के लिए, आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक आपका बचा हुआ था क्या, आपका फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल दो टाइप से पूछे जाएंगे, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने कन्फर्म है। ठीक है, अब इसमें ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जैसे कि आपका क्या रहता है, P = VI है, या एक एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ आपका P = I² R है, और ऐसी एक आपका P = V² / R है। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूले ये आपके रहते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फॉर्मूला पता है, बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे, यही तीन फॉर्मूले पे मैं बात नहीं करूँगा। आपको अगर बोल देगा कि रेजिस्टेंस बढ़ाने पर आपका अगर V सेम है तो P पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। बाकी सिंपल से आपके जो न्यूमेरिकल रहते हैं, जैसे कि आपको I दे दिया, R दे दिया, P आपसे पूछ लेगा, पावर आपसे पूछ लेगा, पावर दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, आई आपसे पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो हम जितने भी यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं वो न्यूमेरिकल हो सकता है, सिंपल होंगे तो आपको सॉल्व खुद कर लोगे, वहाँ पे जैसे वैल्यू रखने वाले होंगे तो खुद ही कर लोगे। थोड़ा सा अगर इधर उधर घुमाने वाला क्वेश्चन रहेगा वो हम यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले आपको सारे लिखा देंगे। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, अब देखो सिलेबस में तो आपको गोलाकार दर्पण दिया हुआ है और यहाँ पे दर्पणों का छवि निर्माण, यहाँ पे देखो दर्पण से एक फॉर्मूला आपका बनता ही है, पता ही आपको, 1/F वाला। ठीक है, और किस में प्लस रहता है किस में माइनस रहता है ध्यान रहना। ठीक है, लेंस में माइनस और दर्पण में आपका प्लस रहेगा। उसके अलावा लेंस की शक्ति की बात करेंगे तो यहाँ से भी आता है आपका P = 1/F रहता है। ठीक है, अभी डिटेल में बात करेंगे, एक ऊपर ही ऊपर ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ। ठीक है, विद्युत शक्ति से, करंट से, और यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है रेजिस्टेंस की प्रणाली से, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो कम से कम यहाँ पे मान के चलिए 30 से 40 आपके फॉर्मूले रहेंगे, कम से कम इतने रहेंगे, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। ठीक, बाकी आज शाम को 9 बजे
9 PM पर रहने वाला है वापस से टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका फ्री टेस्ट है। कहाँ पे मिलेगा? एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप कहाँ पे प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं उत्तराखंड भूमि क्लासेस करके, ठीक है। स्टार्टिंग में या अंत में एक वीडियो दिखी होगी आपको कि कैसे आपको फ्री टेस्ट लेने हैं, ठीक है। तो शाम को 9 बजे रहेगा, जहाँ तक है देखो, अगर कोशिश रहेगी फुल टेस्ट लेने की, मतलब 100 मार्क्स का लेने की, अगर टाइम नहीं मिल पाया तो हो सकता है 50 मार्क्स का हो, या तो मैथ्स का होगा या फिर आपका साइंस का होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर 50 नंबर का हुआ तो 100 का हुआ तो पूरा रहेगा, 50 नंबर का रहा तो 1 ही घंटे का टाइम रहेगा, 100 नंबर का रहा तो 2 घंटे का टाइम रहेगा, लेकिन फिक्स टाइमिंग रहेगा 9 से 10 या 9 से 11, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना शाम के टाइम पे, फिर ऐसा मत करना कि छूट गया या ये हो गया वो हो गया, ठीक है। अभी से चेक करके रखना कहाँ पे मिलने वाला है, स्टार्टिंग के वीडियो में आपको दिखा होगा या फिर अंत में भी आपको दिख जाएगा। अब बात करेंगे स्टार्टिंग से, ठीक है, चलो ठीक है। अभी देखो जो पहला चैप्टर है, मैं यहाँ पे कोई भी एक बुक ले लेता हूँ, यही आपका सीधा एनसीईआरटी है, जिसमें से मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो चाल निकालनी आपको आती है, ठीक है। अब सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अब अगर आपको चाल निकालना है, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टा समय। पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, सिंपल सा स्टार्टिंग से लेंगे। चाल बराबर आपका होता है दूरी बट्टा समय। अगर आपको दूरी दिया हुआ है और समय आपको दिया हुआ है तो आप वहां से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपको दे दी है, मान लो 100 मीटर आपको दूरी दी है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया है 4 सेकेंड, ठीक है, और आपको निकालनी है चाल। चाल बराबर दूरी बट्टा आपका हो जाएगा समय, और दूरी कितनी है? 100 मीटर है, अपॉन में टाइम कितना है? 4 है, तो 25 यूनिट, ध्यान देना इसमें गलती होती है यूनिट में, 25 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, किसका? चाल का, ठीक है। अब यहीं पे दिक्कत क्या होती है, आपको डिस्टेंस दे देता है मान लो 10 किलोमीटर और टाइम आपको दे देता है 4 मिनट, और ऑप्शन जो आपके होते हैं ना डिस्टेंस के, वो ऑप्शन आपके किस में होते हैं? मीटर पर सेकेंड में होते हैं। तो यहाँ पे गलती यही होती है, मान लो अगर 100 किलोमीटर दिया रहता और 25 और एक जगह पे यहाँ पे क्या दिया रहेगा, अपॉन में करोगे तो 25 मीटर पर सेकंड दिया रहेगा। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा, आप इसी को टिक करके आ जाओगे। तो यूनिट ध्यान देने की चीज़ है, भले ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा। चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है आपका फॉर्मूला, आराम से हर कोई बना लेगा, लेकिन यहाँ पे ये फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट देखो मीटर पर सेकंड है और आपने सीधा यहीं से निकाल दिया, ठीक है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, अगर मीटर पर सेकंड में ऑप्शन दिए हुए हैं, मिनट को सेकंड में चेंज करना है। कैसे करोगे? किलोमीटर को कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई तो ये मीटर में आ जाएगा, इसको कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई तो ये किस में आ जाएगा? सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा पहली चीज होगी आपकी क्लियर। अब दूसरी चीज है, आपने क्या किया, चाल बराबर दूरी बट्टा समय पहला कर दिया। दूसरा लिखिए, अगर औसत चाल है, ठीक है, अब औसत चाल ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, औसत चाल हो गया, औसत वेग हो गया, ये चीज़ें पूछता है। औसत चाल का मतलब है आपको 2-3 चाल दिए रहेंगे, मान लो A1 आपको एक चाल दिया हुआ है, A2 आपको एक चाल दिया हुआ है, A3 आपको एक चाल दिया हुआ है। बोल देगा, देखो कुछ भी दे देगा, कोई आदमी है, कोई कार है, कुछ भी है, ठीक है, ये इतने सेकंड में इतना, इतने सेकंड में इतना, इतने सेकंड में इतना, इस चाल से चलती है, टाइम भी दे देगा आपको T1, T2, T3। आप पूछ लेगा आपको इसके बताइए औसत चाल क्या होगा। औसत का मतलब आप समझ रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। औसत का मतलब क्या होता है कि उसका एक जो आपका मध्य का मान है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्या दिया हुआ था, ये आपको दी हुई है दूरी और ये आपको दी हुई है समय, ठीक है, मतलब T1 समय में इतना दूरी तय किया, T2 समय में इतना दूरी तय किया, T3 समय में इतना दूरी तय किया। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल हो जाएगा जितनी भी दूरी आपको दी हुई है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन में और समय जितना दिया हुआ है, T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। औसत चाल भी समझ गए आप, चली गई कुल दूरी बट्टे लिया गया कुल समय। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है ताक्षणिक चाल से, ठीक है, तो विशेष क्षण में तय की गई दूरी बट्टे ताक्षणिक समय, ठीक है। या अगर सिंपल सा पूछेगा तो फॉर्मूला पूछेगा या क्वेश्चन देगा तो सिंपल सा आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, दूरी बट्टा समय, ठीक है। वो एक विशेष समय हो जाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग से नहीं करोगे, दूरी बट्टा समय ही वहाँ पे आपको करना है। चलो अभी वेग की बात करेंगे। वेग होता है आपका विस्थापन बट्टा समय। देखो अभी इसका यूनिट क्या था, मीटर पर सेकेंड था चाल का। अगर बात करेंगे विस्थापन की, तो विस्थापन बराबर क्या है आपका, नहीं विस्थापन नहीं, वेग बराबर
ठीक है। वेग बराबर क्या है आपका, वेग बराबर है विस्थापन बट्टा समय। तो विस्थापन कितना आएगा, मीटर में ही होगा। समय कितना होगा, टाइम आपका सेकंड में ही होगा, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड इसका भी यूनिट रहेगा, सिंपल सी चीज़ है। विस्थापन होता क्या है आपको पता ही है, विस्थापन के बारे में हल्की सी जानकारी ले लो। एक ये यहाँ से ए से बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से वापस आपका ए पे आ गया। ये मान लो 10 मीटर चला, ये 5 मीटर चला और ये आपका ये 6 मीटर चला ऐसा, ठीक है। ये ऐसा चला, अगर आपसे बोलेगा कुल दूरी बताइए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो कुल दूरी बताइए, इसने कितनी दूरी तय की, ये अगर पूछेगा तो 10 प्लस 5 प्लस 6 मतलब 10 5 15 और 6 21 मीटर, अगर मीटर में ले लेते हैं तो 21 मीटर दूरी इसने तय की। लेकिन यहीं पे बात अगर विस्थापन की कर दी जाए, विस्थापन होता है जो उसने प्रारंभिक बिंदु है उसका, उस प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे वह स्थित है, मतलब वह न्यूनतम दूरी जो उसने तय की है, तो उसने न्यूनतम दूरी कितनी तय की, वापस वहीं पे आ गया तो इसका विस्थापन हो गया जीरो, ठीक है। तो दूरी जीरो नहीं हो सकती लेकिन विस्थापन जीरो हो सकता है। चलो विस्थापन समझ गया आप, औसत अगर औसत वेग की बात करेगा तो वही आपका सेम टू सेम कुल विस्थापन बटा कुल समय सेम चीज है, ठीक है। तो ये आप समझ गए। चलो आगे बात करेंगे त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है आपका, त्वरण आपका होता है ये आपका क्या है, वेग, वेग परिवर्तन की दर, वेग बट्टा समय, ठीक है। अब यहाँ पे वेग आपको दिया रहेगा, समय आपको दिया रहेगा, आप यहाँ से आसानी से निकाल लोगे, बस यूनिट का ध्यान देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, वेग का है आपका मीटर पर सेकंड और इसका क्या है, सेकंड है समय का, ऊपर ले जाओगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का आपका यूनिट हो जाता है, ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। चलो इतने यहाँ से सिंपल सा यही चीज़ आपका। और अगर औसत की बात करेगा, वही जितना भी वेग है उस सबको जोड़ दोगे, जितना भी समय है उस सबको जोड़ देगा, अपॉन कर दोगे, आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं गति के समीकरण, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान देना है और इसके क्वेश्चन भी एक दो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक जगह पे कहीं कहीं पे वी जीरो हो जाता है, कहीं कहीं पे यू जीरो हो जाता है और यही क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछते भी जाए वहाँ पे। तो आपको गति के तीनों समीकरण पता ही है, क्या होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका हो जाएगा। चांसेस हैं इन्हीं दो से आपका काम हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तीसरा इक्वेशन आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतने अंदर नहीं घुसेगा, ठीक। तीसरा इक्वेशन आपका है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब इसके बारे में सब आपको बता चुका हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है, सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे। एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया होगा जहां तक मुझे लगता है, अगर कोई आपका चीज है कुछ भी हो वो विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, दो चीजें होती हैं, विराम अवस्था से चलना और दूसरी चीज होती है उसको कैसे लिखते हैं, मतलब कहीं पे रुकना, ब्रेक लगा के रुकना, उसको किस भाषा में लिखेंगे, विराम अवस्था में आना, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे विराम अवस्था में आना। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई सीधे, फिर आपको फॉर्मूला ही लगाना है। मतलब देखो पहला क्वेश्चन आप नोट करना, एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, वह 6 सेकंड तक 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप समझ सकते हो क्या है, से एक समान त्वरण से चलती है, तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल तथा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे पूछ रहा है अगर यहाँ पे क्या हुआ आपका, सेम चीज़, यही चीज़ आपको याद रखनी है, विराम अवस्था से चलना कोई भी वस्तु अगर प्रारंभ करती है तो उसमें सीधे सीधे u इक्वल टू जीरो रख देना, ठीक है। विराम अवस्था में कोई चीज़ें आ रही हैं, कुछ भी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई गाड़ी हो, वाहन हो, कुछ भी हो, अगर वह विराम अवस्था में आ रही है तो वहाँ पे v इक्वल टू जीरो रख देना, बस। अगर ये चीज़ आपको पता चल गया तो आपका काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अब हर एक चीज़ आपको दी हुई है, खाली निकालना है। चलो आपको दिया क्या क्या था, 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड टाइम आपको दिया हुआ है, 6 सेकेंड। त्वरण आपको कितना दिया था, त्वरण आपको दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है एक समान त्वरण से चलती है तब कार द्वारा प्राप्त की गई चाल, चाल का मतलब, अब यहाँ पे विरामावस्था से चलने वाला ये वाला क्वेश्चन है तो चाल मतलब यू तो जीरो ही है, प्राप्त की गई चाल मतलब भी आपसे पूछ रहा है एक चीज, और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, तय की गई दूरी मतलब आपका एस आपसे पूछ रहा है,
चलो अब आपको क्या क्या दिया है, पहला फॉर्मूला आपका क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। इससे क्या हम निकाल सकते हैं कुछ भी, देखो टी आपको दिया है, ए आपको दिया है, यू आपका जीरो है, वी आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला आपको लगाने हैं, वी इक्वल टू यू कितना है, यू आपको दिया है, यू जीरो हो जाएगा आपका, ए कितना है, ए आपका चार है, टी कितना है, टी छः, बस वी इक्वल टू छः चौको 24 मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी चीज़ निकला। बस ध्यान क्या देना था कि कोई वस्तु अगर कहाँ से विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उसका यू जीरो होता है, सिंपल सा इसको याद कर ही लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि दो चार दिन बचे हुए इतना तो याद रख ही सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ें, यूनिट देख लेना, सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे चार मीटर पर मिनट स्क्वायर दिया रहता फिर चेंज करना पड़ता, ठीक है, देगा नहीं लेकिन ध्यान देना फिर भी, ठीक। चलो अब हमने ये निकाला, अब हमें दूसरी क्या पूछ रहा था, एस पूछ रहा था, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ इसमें यू आपको पता ही है तो ये तो पूरा पूरा जीरो हो जाएगा, हाफ ए आपको पता है, टी भी आपको पता है, तो हाफ इंटू ए कितना है, चार है, टी का स्क्वायर छः का स्क्वायर, छः छक्का 36, तो दो दूना चार, 36 दूना 72 मीटर वो आपका चला है, देख रहे हो। तो सिंपल सा चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इतना हो जाएगा। बस आपको ये अगर चीज़ें पता है कि विरामावस्था से कोई वस्तु अगर चलना प्रारंभ करती है यू जीरो, अगर आना चाह रही है विरामावस्था में तो वी इज इक्वल टू जीरो। अब भी दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए इसी में, देखो इसमें सभी यूज हो जाएंगे, आपका तीनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, जो त्वरण है वो ऋणात्मक दिया हुआ है, तो ऋणात्मक त्वरण होता है, टेंशन मत लेना, ठीक है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी, चलो अब आपको यहाँ पे चाल दे दी है, तो ये आपका क्या है, यू हो जाएगा, ए आपको दिया हुआ है, ठीक है, चलो इसको करते हैं अभी। देखो लेकिन आपको क्या दिया था, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, वो ध्यान देने वाली चीज़ है। अभी मैंने आपको परसों एक चीज़ बताई थी कैसे चेंज करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ था, अभी उसका आपको एक तो यू दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, ए भी आपको दिया हुआ है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक चीज़ और शायद आपको दी हुई है, टी शायद आपको दिया हुआ है, देख लेता हूँ, टी 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 आपको रेलगाड़ी इतने चाल से चल रही है, लगे गए 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर त्वरण उत्पन्न, रेलगाड़ी विराम स्थान से पहले कितनी दूरी तय की, बस हो गया इतना ही आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो परसों मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ किलोमीटर का ये मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, सीधे सीधे 5/18 करना, ठीक है, 5/18 करोगे तो हो जाएगा आपका। तो इसको आपका डायरेक्ट कितना आ रहा है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, देखो आपका तो ये आ जाएगा आपका 25, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 बराबर है, 25 मीटर पर सेकेंड आया। अगर ऐसे ही आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ी कि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने की, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, वो भी सिंपल सी चीज़ हो गया। अब यहाँ पे आपको टाइम नहीं पूछ रहा, आपसे इसमें पूछ रहा है एस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला विराम अवस्था में आना चाह रहा है, तो वी इज इक्वल टू आपका सीधे सीधे जीरो हो गया। तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें वी भी आता है, ए भी आता है, एस भी आता है, जिसमें टी नहीं आता, टी क्योंकि आपको दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो वी स्क्वायर निकालो, वी स्क्वायर आपका जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू कितना निकला 25, तो 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा प्लस 2 × a, a कितना है -0.5 है, इंटू एस आपको निकालना ही है, ठीक है, यही चीज हो गया आपका। अब यहां पे देखो आपका ये जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625, यहां पे आप देखो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा -0.5 × 2, तो ये आपका आ जाएगा 1s, ठीक है, ये 1s है। अब 1s को मैं इधर ले आता हूँ तो सिंपल सा s उसको लिख सकते हैं 625 मीटर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, तीनों फॉर्मूले आपके यूज हो गए, किस तरीके से करना है क्या करना है। इसमें अच्छा क्वेश्चन अगर बनेगा तो यही वाला बनेगा, विराम अवस्था से चलने वाला, विराम अवस्था में आने वाला, अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो। वरना सिंपल सा आपको जैसे कि आपका फॉर्मूला है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें यू दे देगा, ए दे देगा, टी दे देगा, आपसे वी पूछ लेगा, हो सकता है यूनिट चेंज करके पूछे, बस हो गया, इतने ही यहाँ पे पूछी जाती है।
चलो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया जो आपकी गति के समीकरण है। अब इसी में सेम टू सेम चीज़ें हैं, जब क्या बोलते हैं ये मुक्त पतन में मुक्त रूप से गिरते हैं जिसमें गुरुत्व त्वरण का काम रहता है, तो उसमें क्या है एक ही जगह पे जी आपको रख देना है, बस हो गया। क्या करोगे वी इज्कल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, जी की वैल्यू 9.8, मेरी मानो तो 10 रखना, ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा है 9.8 रखो तब जाके रखना, वरना 10 रखना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आंसर आएगा और आपका आंसर सही आएगा। और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, तीन फॉर्मूले हो जाएंगे और सेम चीजें यहाँ पे भी करनी है आपको। चलो देखो वृत्ति गति से क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर पूछेगा तो कुछ फॉर्मूले लिख लीजिए। कोणीय विस्थापन अगर आपसे पूछेगा तो आपको वहाँ पे चाप और त्रिज्या दी होगी, तो कोणीय विस्थापन बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, ठीक है। कोणीय वेग के बारे में लिख लीजिए, कोणीय विस्थापन बट्टा समयांतराल, वही सेम चीज़ें हैं, बस कोणीय चीज़ आ जाएगा आगे से, ठीक है, कोण है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है, तो ए होता है अभिकेंद्र त्वरण बोलते हैं उसको, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी नोट करके रखिए। और आवर्तकाल का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आवर्तकाल इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आवर्तकाल का मैं आपको बता ही चुका हूँ, आवर्तकाल आपका टी से दिखाते हैं, टाइम पीरियड से 1/f, ये आपका होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला, ठीक, सिंपल सा ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो अभी आगे बात करेंगे यहाँ पे, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है, न्यूटन का गति विषय द्वितीय नियम, ठीक है। तो ये आपका एक तो हो जाएगा P इक्वल टू एम इंटू वी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एम इंटू वी संवेग मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे आपको द्रव्यमान दे देता है, वेग दे देता है और आपसे बोलता है बताओ इसका संवेग कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसको याद करके रखना, P इक्वल टू एम इंटू वी। अब यहाँ से कुछ भी दे दिया आपको, अगर संवेग दे दिया, संवेग दे दिया मान लो आपको 10, ठीक है, और आपको मास पूछ रहा है और इसका आपको ये भी दे दिया, क्या वी भी दे दिया मान लो 5, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2 आपका आ जाएगा। कुछ भी देगा तो आपको दो चीज़ें इसमें से मिलेंगी, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, तो फॉर्मूला आपको मेन याद रखना चाहिए, ठीक है। और अगला आपका फॉर्मूला रहता है p इक्वल टू एफ अपॉन एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। अगला फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। एक फॉर्मूला और रहता है इसका, अभी आएगा आगे, ठीक है, वो चेंज रहेगा थोड़ा, इससे रिलेट नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हो गया, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका F इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, किसका अभिकेंद्र बल का, F इजिकल टू यहाँ पे लिखिए F इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। क्या क्या है, वही आपका m आपका मास हो गया, द्रव्यमान, v आपका वेग हो गया, r आपका त्रिज्या हो गया, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसका फॉर्मूला है, आपका अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला है। चलो फिर आगे आपका देखो सामर्थ्य P, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब एक यहाँ पे मेन चीज है, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, तो सिंपल सी चीज हो जाएगा आपसे, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, डब्ल्यू दे देगा, टी दे देगा, पावर आपको निकालने को बोल देगा, या फिर पावर दे देगा, टाइम दे देगा, कार्य आपको निकालने को, कार्य क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू कार्य है, टी समय है, पी आपका पावर हो गया, डब्ल्यू का यूनिट जूल रहेगा, टी का यूनिट आपका सेकेंड रहेगा, पावर का यूनिट आपका वॉट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट के साथ में इसको लिखते रहना, क्योंकि यही यूनिट वहाँ पे मैच करने चाहिए। अब एक आ जाता है आपका W कार्य, कार्य इज इक्वल टू आपका होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, जो थीटा है वो क्या है आपका, जो बल है और विस्थापन है, ठीक है, जो बल है और विस्थापन है उसके मध्य का कोण है आपका थीटा। अब यहाँ पे पूछता है कि जो बल और विस्थापन है वह किस, अगर थीटा कौन सा एंगल होगा, क्या एंगल होगा कि वह आपका मैक्सिमम रहेगा, तो बताओ कॉस थीटा अगर हम रखते हैं कॉस 0 और कॉस 90, बताइए। अब देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए हम थीटा की कैसी वैल्यू रहेगी, थीटा की किस वैल्यू पे जो कार्य है वो अधिकतम होगा। अब एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये आपका यहाँ को F लग रहा है, अब विस्थापन आपका यहाँ को हो रहा है, तो कोई मतलब रहेगा उसका उतना, ये आपका, यही आपका जो थीटा है ना, यही आपका क्या है, ये एंगल है कॉस थीटा जो लिखा हुआ है। अब देखो विस्थापन इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई मतलब नहीं है, जब
फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, तब उसका हमें रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा, तब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम कार्य जो हुआ है वो काम में आया हुआ है। अब आप धक्का मार रहे हो किसी चीज़ को, वो अगर आगे को नहीं सरकेगी, ऊपर को जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर वो सीधे आगे को ही जा रही है तो आप बोलोगे कि हाँ कार्य हुआ है, ठीक है। तो मैक्सिमम कार्य कहाँ पर रहेगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी। मतलब थीटा क्या रहेगा आपका, जो विस्थापन है और जो फोर्स है, ठीक है, जो विस्थापन है और जो फोर्स है वो एक ही डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया हुआ है। तो कॉस थीटा, जो थीटा की वैल्यू है जब वो आपका कितना है, कॉस की वैल्यू जब आपका थीटा की वैल्यू जीरो रहेगी तभी आपका मैक्सिमम कार्य होगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें एक दो लाइनें नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अश्वशक्ति बराबर 746 वॉट होता है और एक किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10^6 जूल होता है, ठीक है। एक किलोवाट घंटा से यहाँ पे देखो आपका क्या पूछा जाता है कि यह कैसा मात्रक है, यह व्यावसायिक मात्रक है और एक किलोवाट घंटा जो आपका होता है वो होता है एक यूनिट के बराबर, ठीक है। अगर क्वेश्चन वहाँ पे बना आपसे कि एक यूनिट का खर्चा, एक यूनिट जब आता है कुछ भी लाइट का बिल दे देगा, कोई भी दे देगा, मोटर का रीडिंग दे देगा, तो उसमें 5 रुपये लगता है, तो बताइए इसमें कितना व्यय होगा, ठीक है। तो जितना भी किलोवाट घंटा आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, आपका जो एक यूनिट की खपत दी हुई है उससे कर दोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछता है, इतना ज़्यादा टफ कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इसको आराम से पूरे के पूरे नंबर न्यूमेरिकल में ला सकते हो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे तो ऑप्शन से करके देखना, बन ही जाएंगे, ठीक। चलो ये आपको लिख दिया P=W/T, फॉर्मूला आपका हो ही गया है। अब आ जाओ गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा में। बल आघूर्ण वगैरह आपसे नहीं पूछेगा जहाँ तक है, विकृति वगैरह भी नहीं पूछेगा, ठीक है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता ही आपका, फॉर्मूले मेन है, फॉर्मूले लिखते रहना, ठीक है। ये अपना घनत्व का लिख देना, पृष्ठ तनाव का भी एक फॉर्मूला लिख लेना, बल बटा लंबाई दिया रहेगा आपको सब कुछ, न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होता है। पृष्ठ तनाव अगर आपको निकालने को बोले तो आपको बल दिया रहेगा और लंबाई दी होगी, तो पृष्ठ तनाव T=बल बटा लंबाई। चलो इसमें मुझे अभी ये अपना इसका फॉर्मूला नहीं दिख रहा, चलो वो देखते हैं। क्या होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, KE = 1/2 mv² और आपका पोटेंशियल एनर्जी स्थिति ऊर्जा, यू से दिखाता हूँ, mgh। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, इसमें मेन क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल बना तो तब तो बहुत अच्छा है, बाई चांस न्यूमेरिकल नहीं बना सॉरी आपको पूछ देगा कि बताओ अगर V की मात्रा को हम 2 गुनी कर दें, मतलब V को हम 2 गुना कर दें, तो बताओ जो KE पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा KE पर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आपका इधर 1 था, इसको 2 गुना किया तो 2 का यहाँ पे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब सीधे सीधे क्या है आपका, जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो V² के समानुपाती है। तो हमने 1 की जगह पे 2 गुना कर दिया, तो इसको हमने क्या किया, मतलब 2 का स्क्वायर कर दिया, तो = कितना हो गया, 4 गुना हो गया है। सीधे सीधे ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब यहीं पे अगर U के बारे में पूछे कि बताओ अगर H को हम क्या कर दें, 3 गुना कर दें, तो U पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो U है वो समानुपाती है H के, तो H को हमने कितना गुना किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 गुना कर दिया, पहले 1 था हमने 3 गुना कर दिया, तो कितना गुना हो जाएगा, U भी आपका 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बनेंगे कैसे, आपको m दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा और वेग आपको दिया रहेगा, आपको बोलेगा बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बस यूनिट का ध्यान देना, यहाँ पे भी m रहेगा kg में, v रहेगा m/s में, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है, h आपका मीटर में रहेगा, g की वैल्यू आपको पता ही है, 10 आप लेके चलना, 9.8 होता है, द्रव्यमान आपका kg में रहेगा। तो मेन चीज़ें यूनिट की है, यूनिट अगर अच्छे से कर लिया तो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब मेन जो आता है ना आपका क्वेश्चन, वो आता है आपका दर्पण वाले से। देखो आवर्त काल बराबर आपने लिख दिया 1/फ्रीक्वेंसी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे आपको पूछेगा तो आप कर सकते हैं। मेन समस्या की बात वहीं पर आती है, कहाँ पर आपका मिरर वाले चैप्टर में, ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो ऑप्टिक्स का एक फॉर्मूला लिखना कि जब अगर समतल दर्पण का आपसे पूछेगा, अगर आपको बोलेगा कि समतल दर्पण का बताओ कि कितने इसमें आपके प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है,
तो प्रतिबिंब कब बने, कितने बनेंगे? आप देखो n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन, यदि 360 अपॉन थीटा सम है तो, और n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा यदि 360 अपॉन थीटा विषम है तो, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद रखना, कितने प्रतिबिंब बनेंगे, n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा माइनस वन और n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, ठीक है। ये कब होगा, जब 360 अपॉन थीटा जो है आपका वो होगा आपका सम, तब ऐसे फॉर्मूला यूज करना है, और जब 360 अपॉन थीटा आपका विषम होगा तो आपका ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। n क्या है, n है प्रतिबिंबों की संख्या। देखो आप बोलोगे कि उसमें अपना चैप्टर में तो ये है ही नहीं, कौन सा वाला, ये समतल दर्पण, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको याद करके लेके चलना है क्योंकि दर्पण का ही पार्ट है, ठीक है। आपको गोलीय दर्पण आपको बोला गया है तो उसी का पार्ट है, याद करके चलना। क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आपको बोल देगा कि जो वस्तु है और जो अपना दर्पण है उसके मध्य का कोण आपका कितना है, बोल देगा 30 डिग्री है, 30 डिग्री है या 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, कुछ भी दे देगा, आपसे बोलेगा बताओ प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, ठीक है। या आपसे बोल देगा दो समतल दर्पण है जिसमें मध्य एक वस्तु रखी गई है जिसमें जो उनके बीच का कोण है वो 50 डिग्री है, तो बताइए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा जिसमें आपको थीटा दिया रहेगा। अब आपको ध्यान देना है सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ठीक है। सम संख्या आपको पता ही है, जिसमें आपका पूरा पूरा कटेगा, दो से भाग जाने वाली संख्या होती है वो आपकी सम संख्या होती है। आप निकालोगे सबसे पहले क्या, 360 अपॉन थीटा आप निकालोगे। मान लो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो 360 अपॉन 40 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 40, तो ये 40 क्या है आपका n आया। अब ये 40 क्या है, 40 आपका क्या है, एक सम संख्या है। तो प्रतिबिंबों की संख्या अगर सम, ये सम आ रहा है 360 अपॉन थीटा, तो माइनस वन कर दोगे तो माइनस वन इज इक्वल टू 39 कर दोगे, ठीक है। अगर 360 अपॉन थीटा यहाँ पे विषम आता, मान लो 41 आता, तो हम क्या करते, सीधे सीधे वही आंसर आपका हो जाता। अगर 41 आता वो काट के, तो 41 आपका सीधे सीधे आंसर हो जाता। अगर यही आपका 42 चले जाता तो फिर माइनस वन करना पड़ता, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यही आपको करना है, सम और विषम का ध्यान देना, बाकी आपका यहाँ से भी आंसर निकल जाएगा। अब दो क्वेश्चन आते हैं किसका, एक तो आता है आपका दर्पण सूत्र का। दर्पण में मैंने आपको बोला क्या है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू रहता है दर्पण सूत्र। अच्छे से ध्यान देना इस चीज़ को, और 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू रहता है लेंस सूत्र। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या ध्यान देनी होगी कि कहाँ पे वी माइनस होता है, यू माइनस होता है, एफ माइनस होता है या प्लस होता है, ये मैंने आपको पूरा क्लास में करा रखा। अगर इसी को समझाने लग जाऊंगा तो कम से कम दो घंटे की यही क्लास रहेगी, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आपको रिवीजन करना है फटाफट, जो चीज़ें बोल रहा हूँ वो चीज़ आपके दिमाग में एक एक बार दौड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका दर्पण है, नहीं करा है अभी तक का ये, तो एक बार इसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक से दो बन जाएगा यहाँ से, ठीक। और ये आपका क्या है, लेंस है, तो ये दोनों आपको देख लेने हैं बाकी। उसके बाद हाँ, एक इसका पावर का फॉर्मूला भी रहता है, पी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ या एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन पी, जिसमें इसमें यही चीज़ ध्यान देनी है, एफ रहना चाहिए मीटर में और पी रहना चाहिए आपका किसमें रहता है, इसमें डायोप्टर में, ठीक है। ये लेंस की पावर का सीधे सीधे वो अपना क्या यूनिट भी पूछ लेता है, तो डायोप्टर याद रखना, ठीक है। चलो तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ आपको हो गया। हाँ, अब एक आवर्धन का फॉर्मूला है, M इज इक्वल टू V अपॉन U, ये भी ध्यान रखना है, इसको भी नोट करके रखिए, ये आपका आवर्धन पूछ सकता है। आवर्धन होता क्या है वो तो आपको पता ही होगा, आवर्धन क्या होता है, जो आपने वस्तु की हाइट जो थी उससे जो प्रतिबिंब बना है, वो प्रतिबिंब की हाइट से उसका क्या लेना देना है, उससे कम है, उससे ज़्यादा है, क्या है, ठीक है, वही उसका मतलब होता है। चलो m का आपने फॉर्मूला लिखा होगा, m इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन या फिर v अपॉन यू, ये आपको पूरा करा रखा है, ठीक है, ये आपका लेंस के लिए हो गया। दर्पण के लिए भी दिया होगा, एक सेकेंड, दर्पण के लिए भी लिखना, रेखीय आवर्धन जो होता है उसमें माइनस v अपॉन यू होता है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें देख लेना जो आपको पढ़ा रखा है, m जब ग्रेटर देन वन होगा धनात्मक होगा तो क्या रहेगा, m जब लेस देन वन होगा ऋणात्मक होगा तो क्या होगा, इसको मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज़ है, देखो m जब लेस देन आपका रहेगा वन मतलब ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। या फिर आपका जब m ग्रेटर देन आपका वन होता है तो हाँ तो क्या रहता है आपका, या धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी रहता है, सदैव सीधा रहता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। ये मैं दर्पण के बारे में बोल रहा हूँ, इस चीज़ को एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं।
चलो अभी विद्युत आवेश वाला है। विद्युत आवेश में तीन चार फॉर्मूले हैं, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कौन कौन से फॉर्मूले हैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला का क्या होगा, ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई दिया होगा, आर दिया होगा, कुछ भी एक दिया होगा, एक चीज आपको निकालनी रहेगी, क्यू इज इक्वल टू आई टी, या फिर आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, मात्रक क्या है, कूलम्ब रहेगा, टाइम क्या है, समय, मात्रक क्या रहेगा, सेकेंड, ठीक है। और अपना P इज इक्वल टू डब्लू अपॉन टी यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है। अब यहीं पे यूज होगा पावर के तीन फॉर्मूले, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। सीधे सीधे क्वेश्चन बना था फॉरेस्ट इंस्पेक्टर 2800 ग्रेड पे मैं, कि बताइए निम्न में से कौन सा पावर का सही फॉर्मूला है, ठीक है। वहाँ पे अलग अलग दिया था, वी स्क्वायर आई दिया था, आई स्क्वायर वी दिया था, वी स्क्वायर अपॉन आर ऐसे दिया था, कोई भी एक ऑप्शन सही रहेगा, या फिर हो सकता है तीनों ऑप्शन आपको दे दे, ए बी सी, चौथा ऑप्शन, ये सभी, ठीक है। तो ध्यान देना इस फॉर्मूले को। विद्युत धारिता का आपका फॉर्मूला रहेगा सी इज्वल टू क्यू अपॉन वी, क्यू इज्वल टू सी इंटू वी होता है, ठीक है। अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, वी ए पी इज्वल टू धारा घनत्व, आपसे नहीं पूछेगा। हाँ, अब यहाँ पे आ जाएंगे रेजिस्टेंस का संयोजन। रेजिस्टेंस का संयोजन दो टाइप से कर सकते हैं, एक क्वेश्चन 100% आएगा, या तो आपसे सर्किट में आ जाएगा, सर्किट जो आपको करा रखे हैं किस तरीके से होता है, किस तरीके से आई निकलेगी। पिछली बार एक क्वेश्चन था जिसमें ब्रांच दिए हुए थे और आपसे पूछ लिया था, बताओ जो आपका 2 ओम है उसमें कितनी करंट बहेगी, तो उस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन वो लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है। पेपर अच्छा लेवल पे बनेगा तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है। आपको फॉर्मूला दो याद रखने हैं, फॉर्मूला क्या याद रखने हैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश, ठीक है। अगर बात करेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो यहाँ पे आपका, सॉरी ये आपका उल्टा हो गया, ठीक है, ये आपका उल्टा हो गया, ये पैरेलल का है, पैरेलल का, ठीक है। पैरेलल का आपका 1/R equivalent इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे सीरीज की, तो सीरीज में सीधे सीधे जोड़ देना आपको, R equivalent इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बाई चांस अगर आपसे इंडक्टर का पूछ लिया, सिलेबस में नहीं दिया है, बाई चांस पूछ लिया, तो सेम चीज है इंडक्टर के लिए भी, ठीक है, इंडक्टर के लिए भी सेम चीज है। अगर बात करेगा कैपेसिटर की, बाई चांस पूछ लिया, ठीक है, याद रखना सिंपल सी चीज है, पूछेगा बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, और आप लोग अगर वहां पे कर लेते हो तो एक मार्क्स ज्यादा ले लोगे, ठीक है। कैपेसिटर का सेम इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा कर देना, सीरीज में डाल देना 1/R वाला और पैरेलल में डाल देना R equivalent वाला, बस। मतलब अगर बात करेंगे इंडक्टर की और रेजिस्टेंस की, वो सेम है, R equivalent इज इक्वल टू सीरीज में R equivalent इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, डैश 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 जितना भी दिया हुआ है। उसके अलावा अगर बोलेगा इंडक्टर के लिए, तो सेम चीज़ है, L equivalent इज इक्वल टू सीरीज में बात कर रहा हूँ L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे करके डैश डैश डैश, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करेगा कैपेसिटर की, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ सीरीज में है वो वहाँ पैरेलल में, जो वहाँ पैरेलल में वो यहाँ सीरीज में, ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन इसके बारे में बहुत करा रखे हैं। एक क्वेश्चन एक बहुत बार पूछा जाता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। L को अगर 2 गुना कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, A को अगर हम 4 गुना कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये मैंने आपको क्लास में करा रखा है और कैसे करना है वो भी बता रखा है, ठीक है। तो आपने इसको कर लेना है, L को अगर 2 गुना करेगा तो वही आपका, और एरिया को अगर 2 गुना कर दिया तो वो आपका क्या करेंगे, एक आपका R1 मान लोगे, एक R2 मान लोगे, इसको 2 गुना कर दोगे तो 2 आपका हो जाएगा, अपॉन कर दोगे जो कटने वाला होगा कटेगा और आंसर आपका आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। अगर ऐसा नहीं पूछता है, अगर आपसे बोलेगा कि बताइए अगर हम एरिया को 2 गुना कर दें, ठीक है, किसी एरिया को आपने 2 गुना कर दिया तो बताओ कि जो आपका रेजिस्टेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, 2 गुना कर दिया, अपॉन में है आर आपका समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती 1/A है, इसको आपने 2 गुना कर दिया तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना कर दिया तो जो आपका रेजिस्टेंस है वो आधा हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ये आपसे पूछ लेता है। और अगर यहाँ से पूछेगा तो L आपको दे देगा, A आपको दे देगा, रो आपको, ये आपका हर मटेरियल के लिए फिक्स रहता है, इसको चेंज नहीं कर सकते रो को, ठीक है, और यहाँ पे आपको R पूछा जा सकता है, ठीक।
सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए, टेंशन मत लीजिए। एक चीज लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत उपकरणों द्वारा नापी जाने वाली यूनिटों की संख्या, यूनिट ठीक है, कितने यूनिट खर्चा हुआ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वॉट गुणा घंटे गुणा दिन बट्टा 1000, ठीक है, जो आपको दिया रहेगा उसका यूज करना, बाकी उसमें से छोड़ देना, वॉट गुणा घंटे गुणा दिन बट्टा 1000 आपका, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका गतिमान आवेश पर बल होता है, F इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, जिसमें आपका B क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, Q क्या है कणों पर आवेश है, V क्या है आवेश है, सॉरी आपका आवेशित कणों का वेग है, और थीटा क्या है आपका एक एंगल आपको दिया रहेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, इसको नोट डाउन करके रखिए। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे भी आपसे क्या देगा, तीनों चीज़ दे देगा, थीटा आपको दे देगा, एक चीज़ आपसे पूछ लेगा। देखो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं फॉर्मूला बेस, तो फॉर्मूला अच्छे से लिख लो एक एक पेज में अपने, बढ़िया से जाते टाइम पे एक बार रिवाइज कर लेना, बन जाएंगे क्वेश्चन। बाकी जो घुमाने वाले क्वेश्चन है वो आपके गति के समीकरण से आएंगे, जिसमें विरामावस्था वाला मैंने आपको बताया, और दूसरा आपको क्या बताया था, विरामावस्था में से चलना विरामावस्था में आना, ठीक है, वहां से मेन क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय और आपका लौह चुंबकीय का एग्जाम्पल याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे चुंबकीय फ्लक्स का, तो बी ए कॉस थीटा होता है, यूनिट की बात करेंगे तो वेबर है, ठीक है, तो याद रखना ये भाई। चलो उसके बाद आपका इसमें कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपके यूजफुल रहेगा, अर्धचालक आपके सिलेबस में है नहीं, संचार आपके पास है नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने हमने मेन फॉर्मूले हमने याद कर लिए और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला और यहाँ पे अभी मुझे दिख रहा था, एफ इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट याद रखना टेस्ला होता है, देखो यूनिट भी याद करके ले जाना, हो सकता है एक क्वेश्चन आपका यूनिट से ही पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं, बाकी देखो आपका, हाँ, विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है, ठीक है, ये भी नोट डाउन कर लीजिए, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बाकी रात को 9 बजे आपका आज टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट के लिए तैयार रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखिए। पुराना टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया है, जो पहले का टेस्ट है वह वापस ओपन कर दिया है, तो आप उसको वापस से जाके देख सकते हैं, ठीक है, वो ओपन हो चुका है, जिन्होंने नहीं दिया है उसकी बात कर रहा हूँ, वो वापस से जाके देख सकते हैं, दे सकते हैं उस टेस्ट को, 100 मार्क्स का टेस्ट है। आज की बात करेंगे कितने मार्क्स का टेस्ट होता है, मैं ग्रुप में टेलीग्राम चैनल पे भी और बाकी पेड ग्रुप वालों के लिए भी भेज दूंगा। बाकी एक चीज़ याद ध्यान देना, पेड ग्रुप वालों के लिए मैंने 3-4 PDF भेजी हुई है, उन PDF को अच्छे से एक बार देख के हुए ही जाना, ठीक है। जनरल साइंस के PDF हैं, ज़्यादा पेज नहीं है, लगभग 100 पेज 150 पेज के आसपास हैं, वन लाइनर फॉर्म है, MCQ है, ठीक है, वो देख के जरूर से जाना, उससे भी आपको मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन आपको वहीं से दिख जाएंगे, ठीक है, तो आपको हेल्प बहुत मिलने वाली है वहाँ से भी, तो आपको उसको देख के जाना ही जाना है, ठीक। बाकी चीज़ें अपना रिवीजन करते रहिए, ये आपने सब कुछ कर ही दिया होगा, एक बार रिवाइज आपका हो जाएगा। एक रहेगा आपका, अभी देखो फिजिक्स हमने लगभग पूरी कंप्लीट कर ली थी, केमिस्ट्री तो आपने कर ही ली होगी, बायो में कुछ टॉपिक छूटे हुए थे, कोई बात नहीं, उतना चलेगा। बाकी आपसे मैंने बोला था कहाँ कहाँ से पढ़ना है, वो आपने पढ़ लिया होगा, तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट अच्छे से हुआ है, तो आपको बढ़िया से तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, ठीक है। और बाकी रहेगी जो आपका ये मॉक टेस्ट है, इस मॉक टेस्ट को दीजिए जरूर से, जो जो चीज़ें नहीं आ रही है वो चीज़ें अभी वापस से एक बार रिवाइज कर लीजिए, और बाकी जिसने पहले का मॉक टेस्ट नहीं दिया है जरूर से दे दें। और अपना अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो अपना किस पे, एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, 49 में 4 मॉक टेस्ट हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं, विद आंसर की है, ऑफलाइन रहेगा वो आपका, मतलब आपका क्या एप्लीकेशन के अंदर PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको दे सकते हैं, कितने क्वेश्चन आ रहे कितने नहीं आ रहे सब कुछ चेक कर सकते हैं। बाकी आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसके बैच अपने पास प्रॉपर चलने वाली है, अकेले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 2 से 3 टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करेंगे, टेलीग्राम चैनल से आपको जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ ही आपको एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, शाम को आप लोगों का टेस्ट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड करते हैं, पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिए, मैराथन 2 क्लास आ चुकी है, एक और आएगी जिसमें साइंस रहने वाला है। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।